ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी, देखो कैसे बनाते हैं, ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी, तो राइट एंगल एट सी 90, बाकी है ए बी सी, बी सी, सी पॉइंट आ गया। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट सी डी ए सी एट डी। अब लाइन थ्रू एम, और एम जो है वो है मिड पॉइंट ए बी का, ए बी का मिड पॉइंट ये एम। अब इससे हमने लाइन ड्रॉ की बी सी के पैरेलल, ये बी सी है, ये बी सी के पैरेलल, और ये इस पे कहाँ इंटरसेक्ट करती है, डी पे, ए सी पे कहाँ इंटरसेक्ट करती है, डी पे, ये आपका फिगर है। अब आपको शो करना है, पहला गिवन आप क्या लिखोगे, ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट सी, डी एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब टू प्रूव, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कोई नहीं कर चुके हैं हम ऑलरेडी, कैसे, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी एम पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये सेम रिजल्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन में भी यूज हुआ है और फिफ्थ क्वेश्चन में भी यूज हुआ है, तो ये तो फर्स्ट वाला प्रूफ तो हो जाएगा। सेकंड आपका है एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, यानी एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी, ओके। देखो सी पे एंगल 90 है, सी पे 90 है, डी एम पैरेलल टू बी सी है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल सी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो सी 90 है तो 1 भी कितना आ गया 90, यानी ये एंगल 90 हो जाने से क्या प्रूव हुआ, डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, ओके। नेक्स्ट आपका सी एम, ये नेक्स्ट प्रूफ है, इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ए बी, देखते हैं क्या है, सी एम इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ए बी। देखो एम जो है, एम इज, ये टू प्रूफ, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये इसका मिड पॉइंट है, यानी आधा आधा है, इससे आ गया हमारे पास ए एम इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, ये रिजल्ट तो आ गया। अब हमें प्रूफ करना है ए एम जो है वो सी एम के इक्वल है, तो हमारा काम हो जाएगा, फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको प्रूफ, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए हम ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करते हैं, इन ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल सी एम डी, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या होगा आपका, ए डी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, क्योंकि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जो आपने अभी सबसे पहले ऊपर प्रूफ किया है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 ईच 90 डिग्री एंड डी एम इज इक्वल टू डी एम कॉमन, तो दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रेंट आ गए, एस ए एस से कॉन्ग्रेंट हो गए। अब देखो जहाँ ए एम है वहाँ सी एम है, तो ए एम इज इक्वल टू सी एम, ये आ गया सेकंड, ये है हमारा फर्स्ट, फ्रॉम 1 एंड 2 ये पूरा प्रूफ हो गया, फ्रॉम 1 एंड 2 ये पूरा आपका आंसर आ गया।